हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ब्लैडर। आज हम देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, ब्लड सप्लाई कौन सी होती है, नर्व सप्लाई कौन सी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से लेयर्स होती हैं, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर को हम मेडिकल में सिस्टिस भी बोलते हैं। सिस्टिस जो वर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और इसको हम अगर सिस्टाइटिस बोलें, यानी कि आपका यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई है, कोई सूजन आ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है, सिस्टाइटिस उसको हम बोलेंगे। ओके, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये कैसा होता है? होलो होता है, अंदर से खाली होता है। और इसके अंदर क्या फिल होता है? यूरिन फिल होता है, जो कि आपके ये यूरेटर लेके आते हैं। ठीक है, किडनी यूरिन बनाएगी, यूरेटर उसको लेके आएगा कहां तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, तो आपका मस्कुलर ऑर्गन होगा, ये मसल से बना हुआ है, यूरिन का रिजर्वायर होता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, आपका आपका यूरिन को फिल करके रखेगा, यूरिन इसके अंदर फिल होगा। ओके, ये कलेक्ट करेगा यूरिन को दोनों यूरेटर से, लेफ्ट किडनी से आपका लेफ्ट यूरेटर निकल रहा है, राइट किडनी से आपका राइट यूरेटर निकल रहा है, दोनों ही यूरेटर आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन आपका आके पास कर देंगे। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन खट्टा होने लग जाएगा। लाइज इन द पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक बोन। तो हमारी जो प्यूबिक बोन होती है उसके पीछे पाया जाता है, और ये आपका पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। ओके, और जब ये फिल हो जाता है तब थोड़ा सा हमारे एब्डोमेन कैविटी में ऊपर की तरफ थोड़ा ये आ जाता है। ओके, इन मेल्स इट इज सिचुएटेड इन एंटीरियर टू द रेक्टम एंड सुपीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स के अंदर ये कहाँ पे होता है? रेक्टम के आगे होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर होता है। ठीक है, और फीमेल्स में कैसे होता है ये? इट इज पोजिशन एंटीरियर टू द वेजाइना एंड इन्फीरियर टू द यूट्रस। तो आपका वजाइना के आगे की तरफ होगा और आपके यूट्रस के नीचे होगा, ये यूट्रस के नीचे पाया जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 500 से 600 ml इसकी कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की। ओके, देन इसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। हमारे यूरिनरी ब्लैडर के आपके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, तीन मेजर पार्ट होते हैं इसके। इसको हम बोलते हैं क्या? फंडस, फंडस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम बोलते हैं बॉडी, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेक। तो ये तीन पार्ट होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर के। ओके, अब इसके बाद देखिए लेयर्स, लेयर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आपके कितनी लेयर्स होती हैं? तो इसमें आपके मेजरली तीन लेयर होती हैं। ये सबसे पहली वाली देखिए आप, सबसे ऊपर वाली, ये जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। और ये भी लेयर जो होती है वो एक और लेयर से कनेक्टेड कवर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। तो पेरिटोनियम इस वाली लेयर को कवर करके रखती है। इसके बाद हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, ये वाली जो लेयर आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये जो आपकी मोटी सी लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? डेट्रस मसल लेयर। ठीक है, सेकेंड लेयर होती है, मिडल लेयर होती है, ये थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल सेल्स से, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। ये फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो जब यूरिन हम पास करते हैं उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन में यूरिनरी ब्लैडर के उसको सिकोड़ने में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है ये लेयर। ठीक है, तो ये काम होता है डेट्रस मसल का, ये सेकेंड वाली लेयर का। ठीक है, इसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर पे चलते हैं हम, जो कि आपकी ये वाली लेयर है। ये आपकी बनी होती है ट्रांजिशनल सेलुलर एपिथेलियम से। ओके, ये इनर मोस्ट लेयर होती है और ये अलाउ करती है ब्लैडर को कि ये एक्सपैंड हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे इसमें यूरिन भरेगा तो थोड़ा सा एक्सपैंड होने लग जाएगा, कोई चीज़ भरोगे तो उसमें आपका ये एक्सपैंड होगा, और जब थोड़ा सा उसको, जब यूरिन हमारा पास हो जाएगा तो थोड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस बात साथ साथ में आपको यही बता दूं कि यूरिन की जो शेप होती है उसको हम पियर शेप बोलते हैं। पियर मतलब आपका जैसे नाशपाती होता है ना, उस तरीके की रफली शेप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जब ये फिल हो जाता है तो एक तरीके का बैलून टाइप इसकी शेप हो जाती है, ओवल टाइप की इसकी थोड़ी बहुत शेप हो जाती है जब ये फिल हो जाता है तब। देन इसके बाद देखिए यूरिनरी ब्लैडर में आपका ट्राइगोन एक टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है? तो ट्राइगोन आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल सा बन रहा है इधर। ठीक है, इधर आपका ये ट्राइंगल सा बनता है, इसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक, अ ट्राइंगुलर एरिया ऑन द ब्लैडर फ्लोर डिफाइंड बाय द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो ये ट्रायंगुलर एरिया होता है ब्लैडर के फ्लोर पर, जो कि आपका किससे बना है? आपके दो यूरेटर हैं, दो यूरेटर की इधर इधर आ रहे हैं, यूरेटर ओपनिंग हो रही है और साथ साथ आपका यूरेथ्रा की इधर ओपनिंग हो रही है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका ट्राइगोन बनाते हैं। इट रिमेन्स रिलेटिवली फिक्स्ड इन पोजिशन वाइल द रेस्ट ऑफ द ब्लैडर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका भले ही पूरा ब्लैडर जो हो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए, आपका जो ये होता है
ट्राइगोन, वो आपका एक पोजीशन पे ही रहता है, सिर्फ एक ही पोजीशन पे रहेगा, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपका पूरा ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन ये अपनी सेम पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो आपका ये ऑरिफिसेस दिखा देता हूँ इधर मैं, जैसे आपको ये दो ओपनिंग दिख रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों ओपनिंग किसकी होती है, हमारे यूरेटर की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। यूरेटर की होगी तो यूरेटर ऑरिफिस, ठीक है, ओपनिंग हो रही है। और ऑरिफिस किस लिए वर्ड में यूज कर रहे हैं, ओपनिंग के लिए, ठीक है। जो यूरेटर आपका आपका पीछे की साइड से, यूरेटर आपका जो होगा वो आपका पीछे की साइड से आपका डालेगा, ठीक है, यूरिन को, ठीक, पीछे की साइड से कनेक्टेड होता है। और आपका इधर आपका एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस साइड पे इसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। इधर से आगे जाके क्या होगा आपका, ये पूरा पूरा यूरिथ्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम यूरिथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं। तो ये तीनों ओपनिंग मिलकर क्या बनाती हैं, आपका ट्राइगोन बनाती हैं, ठीक। अब देखिए ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, कि यूरिन आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको ब्लड कौन सप्लाई करेगा, नर्व्स कौन कौन सी उसमें सप्लाई करती हैं, कंट्रोल कौन सी करती हैं। तो आर्टरी कौन सी होती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज, और वेन्स कौन सा ब्लड आपका डिऑक्सीजन ब्लड कौन कैरी करेगा, आपका वेसिकल वेनस प्लेक्सिस। तो पूरे प्लेक्सिस आपके छोटे छोटे प्लेक्सिस मतलब कि छोटी छोटी आपकी वेन्स होंगी, जो पूरे के पूरे आपके ब्लैडर को कवर करके रखेंगी, ठीक है। तो वेसिकल वेनस प्लेक्सिस, तो आपका दोनों में वर्ड जो आ रहा है मेन क्या है, वेसिकल, वेसिकल आप याद रखना, वेसिकल आर्टरी वेसिकल वेन, ठीक है। तो ये आपको ब्लड सप्लाई देती है आपके ब्लैडर को। फिर आती है आपकी नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाईज आपके कौन कौन से नर्व्स इसको कंट्रोल करेंगे, तो सिंपथेटिक कंट्रोल किसके पास होगा, आपका हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस उसको कंट्रोल करेंगी, और पैरासिंपथेटिक कौन कंट्रोल करेंगी, पेल्विक स्प्लेंडिंग नर्व्स, ओके। तो ये आपके ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है आपके यूरिनरी ब्लैडर की। इसके अलावा आपको बताऊं मैं, मेल और फीमेल आप ये देख सकते हैं, तो ब्लैडर इस तरीके का होगा, और इसमें जो आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्चर है वो आपका इधर है, ठीक है, दोनों जगह इधर होता है, जहाँ पे आपका ऑरिफेस होता है ना इधर, ठीक है, इधर ही आपका यूरिथ्रल स्फिंक्चर भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये ओपनिंग होगी, उसके बाद ये आपका यूरिथ्रा में जाने लग जाएगा, और यूरिथ्रा के थ्रू आपका पास हो जाएगा, ठीक है। तो मेल में जो यूरिथ्रल ऑरिफेस होता है वो काफ़ी यूरिथ्रा, क्योंकि उसमें लंबा होता है मेल में, तो यूरिथ्रल ऑरिफेस आपको इधर देखने को मिलेगा, और फीमेल में इसमें यूरिथ्रल ऑरिफेस इधर होता है, छोटा होता है, क्योंकि उनका यूरिथ्रा, ओके। तो इसको हम पढ़ेंगे यूरिथ्रा को नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।